अगर आप अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं और आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो पा रही है और बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी ड्राई बहुत ज़्यादा बेजान से रूखे से इस तरीके से ऊपर से बाल टूटने लगे हैं बीच बीच से और नीचे से भी बहुत पतले हो गए हैं, बाल बुरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं और दो मुहे भी बाल हो चुके हैं, बहुत अनहेल्दी देखने में लगते हैं, केमिकल यूज़ कर करके आपके बालों की सत्या पिट चुकी है, तो इस केस में ओबियसली आपके बालों की हेयर ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। जब तक कि आप इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर नहीं करेंगे आपके बालों में हेयर ग्रोथ कैसे होगी। तो आज की अपने इस वीडियो में मैंने आप लोगों के शेयर किया है 3 अमेजिंग से फास्ट हेयर ग्रोथ हेयर मास्क जिसको कि बनाना बहुत सिंपल बहुत आसान है। और ये तीनों हेयर मास्क ना ही सिर्फ आपके बालों की हेयर ग्रोथ बढ़ाएगा बल्कि हेयर सेलेट और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, जैसे डैमेज हुए हेयर को रिपेयर करेगा, आपके बालों में शाइन नहीं है तो शाइन भरेगा, सॉफ्ट सिल्की हेयर बनाएगा बल्कि आपके बालों को लॉन्ग स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। और साथ ही साथ आपके बाल अगर अनहेल्दी हैं जिसकी वजह से आपके बालों में ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो ये उन सारी प्रॉब्लम को दूर करके आपके बालों को हेल्दी भी बनाएगा। तो आज के अपने वीडियो में मैंने जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की बिल्कुल नेचुरल जो आपके घर में आपके किचन में इजीली मिल जाए उन्हीं चीज़ों का बेसिकली मैंने इस्तेमाल करके आज की वीडियो बनाई है। तो देखिए मेथी जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारे आज के वीडियो का, तो बेसिकली मैंने यहाँ मेथी ली है। मेथी का जो नेचुरल ऑयल होता है हमारे स्किन और हेयर और हेल्थ तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए और जल्दी से आपको आपके बाल को रिपेयर करना है, डैमेज रिपेयर करना, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके बालों को फास्ट रिपेयर करने के लिए। मेथी में ऐसे ऐसे तत्व होते हैं जो आपके बालों को घना बनाता है, लॉन्ग बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, इतना ही नहीं बल्कि आपके बालों में बहुत ज़्यादा शाइन भरता है। तो मेथी का इस्तेमाल आप ऐसे भी हमेशा अपने बालों के ग्रोथ के लिए, आपके बालों के डैमेज रिपेयर के लिए, सन से डैमेज रिपेयर के लिए ज़रूर करें। गाइस मेथी इतना ज़्यादा गुणकारी होता है हमारे हेयर के लिए कि जब मैं इसका बखान करना शुरू करूँगी तो ये वीडियो ख़त्म ही नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पर स्टॉप करते हैं। और देखिए मेथी को क्या करना है, जितना कि आपके बालों में हो जाए उसी क्वांटिटी में लीजिए। मैंने यहाँ 2 चम्मच मेथी इस तरीके से रात भर भिगो के रख दिया है। यहाँ मैंने 3 अलग अलग कांचे गिलासों में इसलिए रखा है ताकि मैं 3 हेयर मास्क शेयर कर रही हूँ, तीनों के लिए अलग अलग मैंने मेथी को भिगोया। मेथी का जो नेचुरल वाटर होता है मतलब कि मेथी को जिस पानी में आपने धो के भिगोया था उस पानी के साथ ही हमें ये हेयर मास्क तैयार करना है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है वाटर जो कि मैंने मेथी को भिगोया था जिस पानी में। ओके मेथी हमने भिगो दिया इतना हमें चाहिए था, अब हम चलेंगे नेक्स्ट, हमें चाहिए एलोवेरा जेल। देखिए एलोवेरा जेल जो नेचुरल एलोवेरा जेल होता है उसका इस्तेमाल करें, बहुत ईजी होता है एलोवेरा प्लांट लगाना घर पर, तो सिंपली आप उसको लगा लीजिए, लगाने के बाद नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। और मैंने इसमें बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप मार्केट में जो एलोवेरा आता है उसका इस्तेमाल करें, आप मार्केट में जो फ्रेश लीफ आती है इस तरीके से पत्तियाँ जो आती हैं उससे जेल निकाल के ही इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से ही बनाया जाएगा तभी इफेक्टिव होगा। तो यहाँ देखिए मैंने एलोवेरा लीफ को इस तरीके से कट करके उसके अंदर के जेल ही पार्ट को निकाल लिया है इस तरीके से, ताकि आप चाहे इसको खा भी सकते हैं, स्किन पे भी लगा सकते हैं, अपने हेयर पे भी लगा सकते हैं, ये तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। केमिकल डाल के बाहर चीज़ें बनाई जाती है उसे जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। देखिए मैंने इनफ एलोवेरा जेल निकाल लिया है ताकि मैं तीनों मास्क, मुझे 3 मास्क तैयार करने हैं उतने मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो मैंने उस हिसाब से लिया है। मैं आपको बता दूं कि मैंने एलोवेरा जेल के एक पैक बनाने के लिए 2 पत्तियाँ मतलब 2 बड़े-बड़े लीफ का इस्तेमाल किया है उसके जेल का बेसिकली। तो देखिए आप चलेंगे पहला हेयर मास्क बनाएंगे जो कि आपके बाल कितने भी डैमेज हो, चाहे सन से डैमेज हो, चाहे आपने केमिकल चीज़ें यूज़ किया, चाहे आपने बहुत हेयर ड्रायर या फिर बहुत हेयर मतलब ऐसी चीज़ें इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें की वजह से डैमेज हो गए, उन सारी प्रॉब्लम को ये दूर करेगा। और साथ ही अगर आपके बालों में शाइन नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राई बाल हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं, 2 मुहे बाल हैं, तो ये इन सारी प्रॉब्लम को ये दूर करेगा। सबसे पहले जो हमने 2 चम्मच मेथी रात भर भिगोई थी उसको हम किसी जार में डाल लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल उतना ऐड करना है जितना कि 2 बड़े लीफ जो 2 बड़े पत्तियों में जितना भी जेल निकलता है उसी क्वांटिटी में ऐड करना है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ 2 बड़े लीफ के जेल का जो जितना निकलता है उसी हिसाब से मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें ऐड किए हैं, वो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड करिएगा। उसके बाद 2 हमें बनाना लेना है यहाँ पर। देखिए अगर आपके बाल मेरे जितने बड़े हैं, जितने मेरे बाल हैं उतने, तो आप इसी क्वांटिटी में ले लीजिएगा। अगर आपके बाल मेरे से छोटे हैं तो 1 चम्मच जैसे कि 1 लीफ ले लीजिए,
है ना, एक जो लीफ होती है एलोवेरा जेल की उसका जितना जल निकलता है वो डालिए, और एक बनाना डालिए उस क्वांटिटी में आप इसमें ऐड करिए। ये क्वांटिटी वगैरह बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से इसमें ऐड करिएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रोगन बादाम, स्वीट बादाम, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो। अगर आपके बाल ड्राई नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर डालें तो अच्छा है, ठीक है। उसके बाद हम विटामिन ई ऑयल ले लीजिए या फिर विटामिन ई कैप्सूल लीजिए। अगर आप कैप्सूल ऐड कर रहे हैं तो कम से कम 2 कैप्सूल इसमें ऐड करिए। अगर आप ऑयल ऐड कर रहे हैं तो 3 से 4 ड्रॉप इसमें विटामिन ई की आप इसमें ऐड कर दीजिए। उसके बाद ये हमारा मटेरियल बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमें इसे क्या करना है, अब हम इसको बंद करके हम ब्लेंड करेंगे, इसका बनाएंगे पेस्ट, और इसी पेस्ट का हम बेसिकली इस्तेमाल करेंगे। ये पेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके डैमेज हेयर को रिपेयर करने के लिए। जितनी भी डैमेज हेयर होंगे, शाइन नहीं होगी बालों में, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए होंगे, वो सारी प्रॉब्लम दूर करेगा और आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है ये। अगर आपके बाल हेल्दी रहेंगे तो खुद ब खुद बाल बढ़ेंगे। अगर बालों में प्रॉब्लम्स है, स्कैल्प अनहेल्दी है, बाल अनहेल्दी है, तो बढ़ ही नहीं सकते बाल। इसीलिए हेयर मास्क, हेयर पैक हमेशा लगाते रहना चाहिए, जिससे आपके बाल भी हेल्दी रहेंगे और आपके बाल की जो समस्याएं होंगी, जैसे ग्रे की प्रॉब्लम रहेगी, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, या और भी जो भी प्रॉब्लम होंगी वो दूर होती रहेंगी। देखो एलोवेरा और जो मेथी का कॉम्बिनेशन होता है ना, वो बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो बालों से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही दूर कर देता है। तो ये दोनों अपने हेयर केयर रूटीन में ज़रूर ऐड करिए आप। तो देखिए हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, और इसी हेयर मास्क को अपने बालों में, साफ बालों में, बाल धोइए उसी दिन अप्लाई करिए, तब आप इसको लगाइएगा। तो हम चलेंगे सेकेंड हेयर मास्क बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने रात भर मेथी को भिगो के रखा था। पहले मेथी को धो लिया, धो के भिगो दिया 2 चम्मच, जितना कि मेरे बालों में हो जाए। और इसी मेथी के पानी के साथ, जो पानी रात भर भिगोया था, उसी मेथी और पानी दोनों को साथ में इस्तेमाल करना है, और ये हम एक जार में डाल देंगे। वही सेम जार मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि साथ में वीडियो बना रही हूँ इसीलिए सेम जार का इस्तेमाल किया, तो जार को माइंड मत करिएगा। उसके बाद 2 एलोवेरा लीफ, फ्रेश जो लीफ थी उसमें 2 एलोवेरा लीफ में जो भी जेल निकला था, उसी क्वांटिटी मैंने इसमें जेल डाल दिया हुआ है। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने बड़े चम्मच इस्तेमाल किया है एलोवेरा जेल का। उसके बाद एक अंडा, एक नहीं बेसिकली हम यहाँ पे 2 एग का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से एग को फोड़ के इसके अंदर का जो भी मटेरियल उसको डाल दीजिए। एग में बहुत सारा पोषण तत्व होता है जो हमारे स्कैल्प को भी हेल्दी रखता है और हमारे बाल को भी हेल्दी रखता है और हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो यहाँ पे मैं 2 एग इस तरीके से तोड़ के इसमें डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो येलो पार्ट स्किप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, या फिर आप कहीं अर्जेंट जा रहे हैं तो उस समय आपको चाहिए क्या कि बाल में स्मेल ना आए, तो वाइट पार्ट ही डालें और येलो पार्ट हटा दें। मैंने मेरे बालों के हिसाब से 2 एग इसमें डाला है, आप घटा बढ़ा भी सकते हैं अपने बालों के लेंथ के हिसाब से। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है रोगन बादाम। रोगन बादाम इस्तेमाल करें ज़्यादा अच्छा है इसको, कि हम स्वीट आलमंड कहते हैं। तो इसमें 1/2 चम्मच स्वीट आलमंड डालिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई की कैप्सूल ले लीजिए या फिर विटामिन ई ऑयल ले लीजिए, जो भी आपको सुविधापूर्वक मिल जाए। यहाँ पे मैंने 3 से 4 ड्रॉप डाला हुआ है विटामिन ई ऑयल का। उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना लीजिए। अच्छे से मिक्स करिएगा, अच्छे से पेस्ट बन जाए, और इसी पेस्ट को अपने हेल्दी बालों में, जो साफ बाल हों उसी बालों पर आप लगाइए। इसे गंदे बाल ना हो, धुल लीजिए उसके बाद लगाइए, ज़्यादा अच्छा होगा। अभी आपको ये दिख रहा है काफ़ी पतला है, पर जो मेथी होती है वो पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। 5 मिनट रख देंगे, पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक। और इसको कितनी देर रखना है, इस पेस्ट को कम से कम 1/2 घंटे, जितने भी पेस्ट मैं आज शेयर कर रही हूँ उन सारे पेस्ट को कम से कम 1/2 घंटा अपने बालों में रखिए, और मैक्सिमम टाइम 40 से 45 मिनट, 45 मिनट से ज़्यादा मत रखिए, 1 घंटा आपको रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम चलेंगे अपने तीसरे हेयर मास्क की तरफ, जिसके लिए मैंने रात भर मेथी को भिगो के रखा था। 2 चम्मच मैंने मेथी भिगो रखी थी अपने बालों की क्वांटिटी के हिसाब से। अपने हिसाब से छोटा बड़ा जितना ही बाल है उसके हिसाब से आप मेथी भिगोइएगा। 2 चम्मच भिगो के रखा था और सेम पानी के साथ धो के मेथी भिगोई, और उसी पानी को हमने इस्तेमाल किया है पानी के साथ। ये हमने जार में डाल दिया ब्लेंडर वाले, इसमें हम इसका पेस्ट बनाएंगे, उसके अंदर हमने इसको डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मेथी ली है, तो 2 लीफ जो फ्रेश एलोवेरा की लीफ होती है उसके अंदर का जेल बेसिकली निकाल के हमने 2 चम्मच इसमें ऐड किया है। उसी हिसाब से आप करेगा, 2 चम्मच मेथी तो 2 चम्मच एलोवेरा जेल यहाँ पे डाला है। उसके बाद मैं इसमें 1/2 चम्मच लेमन जूस डालूंगी। इस तरीके से हम इसको में डाल देंगे, आपको भी इसी क्वांटिटी में ऐसे ही डालना है, अपने बालों के लेंथ के हिसाब से ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं इसमें दही डाल रही हूँ, कितना
दो से तीन चम्मच आप इसमें ऐड कर दीजिए। तीन चम्मच मैंने इसमें दही ऐड कर दी है, बहुत बड़ा चम्मच नहीं है, मीडियम साइज के चम्मच से मैंने तीन चम्मच में दही ऐड की हुई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इवॉन के दो कैप्सूल, इसमें हम कट करके अच्छे से डाल देंगे। ये देखिए मैंने दो इवॉन लिया है और इस तरीके से कट करके इसको भी मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ। और इसी पेस्ट को अब हमें ब्लेंड करना है अच्छे से। अब इसमें आप कुछ मत डालिए, ऐसे ही इस्तेमाल करिए इस पेस्ट को, पेस्ट बना लीजिए अच्छा सा। पेस्ट बनाने के बाद इसको अपने बालों पे इस्तेमाल करिए। जैसे कि मैंने बताया कि बाल हमेशा क्लीन होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, गंदगी ना हो। ऐसे नहीं कि दो तीन दिन बाद धुले हो गया है तब इस्तेमाल करें, नहीं, बाल धो लीजिए, धोने के बाद सुखा लीजिए, उसके बाद इस पेस्ट को इस्तेमाल करिए। देखिए कैसी भी प्रॉब्लम हो, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। तीनों ही बहुत अच्छे हैं, हफ्ते में कम से कम तीनों को इस्तेमाल करिए, दो दिन तीन दिन गैप दीजिए, इस्तेमाल करिए। बहुत आसान है बनना, सिंपल सा इंग्रेडिएंट है, ईजिली आप बना सकते हैं, घर पर बनाइए और लगाइए। लगाने का जैसे मैंने आपको बताया, आगे वीडियो में बता चुके हैं, फिर से बता रही हूँ, आधा घंटा ही अपने बालों में इसको रखना है बस, उससे ज़्यादा टाइम आपको बिल्कुल भी इसको नहीं रखना है। को लगाने से पहले अच्छे से अपने हाथों को कवर कर लीजिए, उसके बाद अपने पूरे बालों पे इसको अच्छे से लगा दीजिए, स्कैल्प पे, बालों पे। उसके बाद इसको आधे घंटे रखना है, वॉश कर लीजिए। हफ्ते में कम से कम तीनों को एक बार जरूर ट्राई करेगा और एक हफ्ते से दो हफ्ते इसको लगाइए, फर्स्ट टाइम आपको रिजल्ट विजिबल दिखेगा। और एक हफ्ते से दो हफ्ते आप इसको ट्राई करिए और आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि फर्स्ट टाइम में आपको रिजल्ट दिखा कि नहीं दिखा। कितने भी डैमेज हेयर होंगे रिपेयर हो जाएंगे, ब्यूटीफुल सा शाइन आएगा आपके बालों में, बहुत ज्यादा सॉफ्ट और सिल्की आपके बाल आपके मालूम देंगे और ग्रोथ भी एक से दो महीने तक लगातार इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आपकी हेयर ग्रोथ आपको खुद ब खुद मालूम देगी। तो होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करेगा, शेयर करेगा सभी मेन वुमेन गर्ल्स के साथ, सबके साथ शेयर करिए। और कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, तब तक लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।